हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों, खूब सारा इसी तरह से मुझे प्यार दीजिए, मोटिवेशन दीजिए, ताकि मैं और नई सी नई रेसिपीज आपके लिए लाती रहूं। मेरे साथ बने रहने के लिए प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की रेसिपी है हमारी भरवा भिंडी। स्टफ्ड भिंडी बनाने वाले हैं हम, और वो भी बहुत ही आसान से तरीके से, लेकिन स्वाद इसका ऐसा होगा कि आप भूले भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह से बनाने से भिंडी का जो टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया आता है। बहुत ही चटपटी सी भिंडी हमारी बनकर तैयार होती है। तो भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए भिंडी, जिसको आप क्या करो, दोनों साइड से हटा लीजिए और सेंटर में एक इस तरह से चीरा लगा लीजिए। तो सारी भिंडी को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है, दोनों साइड्स को रिमूव करके सेंटर में आपको कट लगाना है। इसी तरह से सारी भिंडी को रेडी कर लीजिए। अब बनाते हैं इसके लिए स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल से मसालों से हम बनाएंगे। तो यहाँ मैं 2 चम्मच ले रही हूँ धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल रहे हैं नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लहसुन। ये फ्रेश गार्लिक है जिसको मैंने क्रश कर लिया है। और इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 चम्मच ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, जब गार्लिक हम ऐड करते हैं स्टफिंग में, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, और भिंडी जो है बहुत ही अच्छी टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब हमें हाथों से अच्छे से इसको मिला लेना है। तो लीजिए, मसाला ये हमारा तैयार हो गया है। इसके अलावा हम इसमें और कुछ नहीं ऐड करेंगे। तो हमें क्या करना है, भिंडी को लेना है जो हमने कट लगाया है, उसमें हम थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें भर देंगे। ये देखिए, इस तरह से सारी भिंडी में आपको इसी तरह से स्टफिंग कर लेनी है मसाले की। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और दूसरा ये बनकर बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, क्योंकि भिंडी इटसेल्फ बहुत जल्दी पक जाती है, और विद गार्लिक फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। आप जब भी बनाओगे इस तरह से स्टफिंग वाली भिंडी के फ़ैन हो जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं हो रहे हैं, और दूसरा ये बनकर भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखिए, मैंने सारी भिंडी अच्छे से स्टफ्ड कर ली हैं। अब लेते हैं एक पैन, पैन में डालूँगी मैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें डालना है हींग, और 1/2 चम्मच डालूँगी ज़ीरा। इनको जब आपका ज़ीरा अच्छे से चटकने लग जाए तब हमें उसमें ऐड कर देनी है भिंडी। यहाँ मैंने भिंडी को डाल लिया है पैन में। अब हम इसे अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम लो रख कर हमें इसे बहुत अच्छे से पकाना है। तो कम से कम भी 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे पकने में। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, बीच बीच में इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते जाएं, क्योंकि ये ना हो कि भिंडी आपकी एक तरफ से जल जाए। तो जलाना नहीं है, हम बीच बीच में बार बार चलाते जाएंगे ताकि सारी भिंडी हमारी इवनली कुक हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह से चलाते जाएंगे तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, भिंडी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल इसका ही टेक्सचर जो है वो चेंज हो चुका है, सॉफ्ट हो गई है भिंडी। तो इट मीन्स ये हमारी लगभग कुक हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ढककर पका लेंगे। तो मैं बिल्कुल फ्लेम को कर देती हूँ लो पर, बिल्कुल सिम कर देंगे गैस, और इसे हम कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे।
तो ये लीजिए, ढक्कन हटा कर देख लेते हैं। तो लीजिए, हमारी सब्जी बिल्कुल हो गई है तैयार, काफ़ी अच्छे से कुक हो गई है और काफ़ी देखने में ही पता लग रहा है कि भिंडी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी जल्दी ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी उतनी ही लाजवाब लगती है। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आता है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करिए अपने घरों पर। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। आई होप ये आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो आप भी इसे ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।